हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 अक्टूबर 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए अगर आप लोगों को, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी हर क्लास फ्री में देखना चाहते हैं तो आप स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने से आप लोगों को डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे। लाइक आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पाना चाहते हैं सीईटी एग्जाम के लिए तो आपको 7999 का मिलेगा, और ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, प्लस में 6 मंथ का एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या होगा, विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे, ये कब मनाते हैं हम लोग। विश्व हृदय दिवस हर साल हम लोग 29 सितंबर को मनाते हैं, ये जवाब आप लोगों ने मुझे कल दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या होगा। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज इशूड एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ऑन इम्पैक्ट फ्रॉम विच डेट, रक्षा मंत्रालय ने किस तारीख से आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग करने का आदेश जारी दिया है। कौन से तारीख से? यह है 1 अक्टूबर 2021 से, यानी कि बी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। अच्छा, इसको भंग करने का आदेश तो जारी कर दिया है, ये तो बात हमें समझ में आ गई है। मुद्दा ये है कि इसे भंग करने के आदेश जारी करना के पीछे थोड़े ये कारण क्या रहे हैं, देखिएगा। कारण आपको पढ़ाते हैं, सारी सारी बात क्या थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जून को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ना, इसको एक सुधार नोटिस जो है ना वो भेजा था। इसके तकरीबन 41 कारखाने हैं, ठीक है ना, और इनके अंदर जो है ना कुछ कॉरपोरेट संस्थाएं इनसे जुड़ी हुई है, ठीक है, और इनको कहा गया था इन 41 संस्थानों के अंदर, जिसमें से प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन, रखरखाव, ठीक है ना, ये बेसिकली अक्टूबर से 7 सरकारी कंपनियों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। ये 7 कंपनियां कौन सी है? ये 7 कंपनी है, एक तो मुनिशन इंडिया लिमिटेड है, एक एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है, एक आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है, एक यंत्र इंडिया लिमिटेड है, एक इंडिया ओपेल लिमिटेड है, एक है कंफर्ट्स लिमिटेड है, एक है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड है। ये 7 कंपनी जो है ना, ये पूरी 7 पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्था है, ठीक है ना। अब इन्हीं कंपनियों को जो है ना, इनको जैसे इनको कहा गया कि ये रूल होने चाहिए पर मैनेजमेंट के, ये रूल होने चाहिए किसी संस्था को चलाने के लिए, तो नियमों का पालन ना करने की वजह से कुछ ऐसा हुआ जा रहा है, ठीक है। तो सरकार के आदेश के अनुसार ऑर्डिनेंस बोर्ड में ग्रुप ABC के 70,000 से ज़्यादा कर्मचारी है जो कि इन इकाइयों के अंदर काम कर रहे हैं। अब दिक्कत आएगी उनके भी, ठीक है, उनको कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, उनको जो है ना कहाँ पर जॉब लगाया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बेरोज़गारी तो सामने आएगी। तो उनको अगर ये सारे के सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए जाएंगे तो दिक्कत तो होनी ही है। और ऑर्डिनेंस बोर्ड जो है ना, लंबे टाइम से जैसे बार बार अपनी जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को बदल देता है। ये वेपन्स बनाता है ऑर्डिनेंस बोर्ड, जैसे हथियार है वगैरह है, तो इनमें गुणवत्ता को चेंज करता जा रहा है, जैसे आज कुछ बनाया, कल कुछ बनाया, परसों कुछ बनाया, ठीक है ना। इसी वजह से कहा कि तुम बना ही काम करो, सरकार ने इसको बंद करने के आदेश जारी कर दिए। यह है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बंद होने का कारण, और इसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1 अक्टूबर 2021 से बंद करने के आदेश दे चुका है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन हर बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये किताब किसने लिखी है? ये बुक लिखी है इंदिरा नुई ने। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा नुई आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। अच्छा, इंदिरा नुई ने ये किताब लिखी है, इंदिरा नुई फोकस ऑन इंपॉर्टेंस दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्पोर्ट प्लेज इन वर्किंग वुमेन लाइव्स। इन्होंने इस किताब में फोकस किस बात पे किया है कि जो वर्किंग वुमेन होती है वो उनके जीवन के अंदर जो है ना किस तरीके से ये जो संस्थाएं हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इंपॉर्टेंस दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्पोर्ट, जो कि संस्थाओं का जो स्पोर्ट होता है ये कितना ज़्यादा मतलब कहिएगा एक क्रूशियल रोल अदा करती है इनकी ज़िंदगी में। ये खैर आपको पता ही है कि पेप्सिको की CEO रह चुकी है, फॉर्मर CEO कहिएगा आप लोग, ठीक है ना। 28 अक्टूबर 1955 को इनका चेन्नई में जन्म हुआ था, ठीक है, और
इनको पद्म भूषण, CNN, IBN अवार्ड, ठीक है ना, ग्लोबल इंडियन के लिए अवार्ड मिल चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा नुई एन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड फॉर्मर चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको। तो ये इसका के ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम जाना जाता है। और वैसे भी ये मोस्ट पावरफुल वुमेन, वर्ल्ड की 100 पावरफुल महिलाओं में भी इनका नाम जो है शामिल हो चुका है, तो करके भी ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इन्होंने बस इन हर बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर, इसमें बस वर्किंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड ये किताब को डिज़ाइन किया है। वैज्ञानिकों ने किस देश में एक बंजर सूखी झील के पास एक प्राचीन कोआला हंटिंग ईगल के अवशेषों का पता लगाया है। कोआला हंटिंग ईगल के अवशेषों का पता लगाया है वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये कुछ ऐसे अवशेषों का पता लगाया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पक्षी के 25 मिलियन पर वर्ष पुराने होने के सबूत मिले हैं यहाँ पे। ऐसा माना गया कि कभी यहाँ पे हरे भरे जंगल हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलिया के पिंपा झील के पास ये जो है ना इनके अवशेष मिले हैं अभी, ठीक है, जो लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले के हैं। ऑस्ट्रेलिया में वेजटेल और वेजेस के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है ना, और शिकार का एक चौड़ा पंख पक्षी इस टाइप के कुछ मिला है, अवशेष मिले हैं यहाँ पे, हड्डियों वगैरह के भी अवशेष मिले हैं। इस अध्ययन से हो क्या जाएगा सर? देखो, ऐसे चील के अवशेष मिलना बहुत ही रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, ये दुर्लभ खोज है एक प्रकार से, ठीक है ना, किसी पक्षी के, वो भी 25 मिलियन साल पुराना, ये तो बहुत ही यूं कहिएगा पुराना है, ठीक है। तो ये एक अवशेष यूं कहिएगा जितने भी ईगल्स हैं इनकी स्टडी से रिलेटेड होगा। और ये ईगल जो है ना, ये गिलहरी, कुत्ते, खरगोश, इनका शिकार करने के साथ साथ ईगल जो है ना खाद्य श्रृंखला पे भी विशेष अपना प्रभाव दिखाते हैं ये। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एकिला ऑडेकस, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में शिकार के लिए सबसे बड़ा पक्षी माना भी जाता है ये वाला। दक्षिण में न्यू गिनी में भी पाए जाने वाले हैं ये, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, जिक्र मैंने ऑस्ट्रेलिया का किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को आप मैप में देखिएगा, ये मकर रेखा के आसपास की स्थिति वाला देश है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है, कैपिटल कैनबरा है, पॉपुलेशन यहाँ की 2.57 करोड़ है, करेंसी यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको आप बोलते हो NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? नेशनल कैडेट क्रॉप्स के 34वें महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है अभी हाल ही में गुरकिरपाली सिंह ने, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ना वो सिंह है, गुरकिरपाल सिंह ने जो है ना ये पदभार संभाला है 27 सितंबर 2021 को 34वें डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC यानी कि नेशनल कैडेट क्रॉप्स के। ये बात आपको याद रखनी। दूसरा, नेशनल कैडेट क्रॉप्स के बारे में बात करना, इसका मोटो पूछा जा सकता है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अच्छा सर, इसके डायरेक्टर जनरल तो हो ही गए, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। एक बात और याद रखना, NCC डे कब मनाते हैं? ये चौथा रविवार जो होता है नवंबर महीने का, उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। चौथा रविवार जो नवंबर महीने का होता है उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। वर्ल्ड रेबीज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? विश्व रेबीज दिवस हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हर साल मनाया जाता है आपका 28 सितंबर को, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 28 सितंबर को हम लोग हर साल जो है ना वो रेबीज डे मनाते हैं। अच्छा, आप सभी को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि रेबीज जो है ना वो एक वायरल डिजीज़ है, या यूं कहिएगा वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है। रबडो वायरस इसमें एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, रोल नेगेटिव रोल अदा करता है ये, ठीक है। कुत्तों से, बंदरों से, बिल्लियों से ये हो सकता है, ठीक है ना। और अगर ये हो जाए तो होगा क्या सर? ये होगा मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ठीक है ना। रेबीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, इस बात को जरूर याद रखिएगा। वायरल डिजीज होती है और ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर भी हो जाती है। और ये ब्रेन यानी कि मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल फैसिलिटीज है, इन सभी पे अटैक करता है। WHO की अगर माने तो कुत्ते, डॉग्स आर द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन रेबीज डेथ। कुत्ते हैं वो एक बहुत मेन या इंपॉर्टेंट रोल है जो कि रेबीज के कारण इंसानों की डेथ होती है, कुत्तों से ही ज़्यादातर आता है। हाथों तो बंदर और बिल्लियों से भी है, लेकिन ज़्यादा हम लोग हैबिचुअल भी कुत्तों से तो रहते हैं। और ये 99% रोल अदा करते हैं। आप समझ जाओ कि 100% में से 99% कुत्ते, 1% बिल्ली और बंदर का जो इसमें हिस्सा आता है।
और जो लुई पाश्चर जी थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, जो लुईस पाश्चर है और के साथ में इमाइल रॉक्स है, इन्होंने 1885 में फर्स्ट रेबीज वैक्सीनेशन जो है ना वो तैयार की थी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद रखना, और ये डे हम लोग लुई पाश्चर की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर ही मनाया करते हैं, ठीक है ना। इस बार का ये 15वां रेबीज जो है ना 15th वर्ल्ड रेबीज डे का थीम इस बार रखा गया है, क्या, रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर, रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। चलिए जी, इतनी बातों को आपने समझ लिया है, अगला सवाल पढ़ दीजिएगा। किस देश ने चीन में उत्पादित जैविक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? विच कंट्री हैज बैंड द इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड इन चाइना? ऐसा किया है श्रीलंका ने। ऐसा क्यों किया है सर, श्रीलंका ने जैविक खाद पे क्यों रोक लगाई है? तो कारण सुनिएगा, श्रीलंका हैज बैंड द इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना आफ्टर स्टेट एग्रीकल्चर अथॉरिटी डिटेक्टेड हार्मफुल बैक्टीरिया इन दैम फॉर सेकेंड टाइम। हुआ यूं था कि थोड़े टाइम पहले भी इनके खाद में बैक्टीरिया मिले थे और अब फिर से जो है ना एक हार्मफुल बैक्टीरिया डिटेक्ट किया गया है दूसरी बार। यहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर अजंता दे सिल्वा, इन्होंने कहा है कि भैया तुम ना ये बंदी कर दो, भेजना अच्छा काम नहीं रहेगा ये, ठीक है ना। तो इन्होंने वुड नेवर अलाउ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विद हार्मफुल बैक्टीरिया टू एंटर द कंट्री। तो हमारे ये ऐसे वाला बैक्टीरिया हमारे श्रीलंका देश में तो आना नहीं चाहिए। श्रीलंका इम्पोर्ट करता करता है 99,000 मैट्रिक टन जो है ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को इम्पोर्ट करता है एट अ कॉस्ट ऑफ $63 मिलियन फ्रॉम चाइना, ठीक है ना। तो चाइना के लगभग एक सिवान बायोटेक ग्रुप है, यहाँ से इतना इंपोर्ट करता है। सितंबर 17 को ऐसा जो है ना डिटेक्ट किया गया था, इस हार्मफुल बैक्टीरिया का जो नाम है वो क्या है, इरिविना, ठीक है ना, इरिविना नाम का एक बैक्टीरिया है। इसको जो है ना मतलब इस वाले खाद को, जैविक खाद को बैन किया है श्रीलंका ने। मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूँ तो समुद्र में सबसे पास लगने वाला श्रीलंका ही है। राजधानियाँ दो है इसकी, एक तो है कोलंबो और एक अभी जो अभी एक्टिव है उसका नाम है श्री जयवर्धन कोठेपुरम। यहाँ के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे है और महिंद्र राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री है। करेंसी श्रीलंकन रुपीज है। पॉपुलेशन 2.19 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2020 वर्ल्ड बैंक की मानी गई आंकड़े के अनुसार। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA फॉर 1 ईयर टिल द नेशन मैनेजमेंट कन्वेंशन इज हेल्ड? राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने तक एक वर्ष के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये AIMA का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है, ठीक है ना, उनका नाम होगा डियर आपका जो अभी रिसेंटली है CK रंगनाथन, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका ठीक रहेगा हमारा, ठीक है ना, CK रंगनाथन। ये बेसिकली AMI वर्क्स टू रेज मीडिया एंड पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए जनता के बीच में और मीडिया के अंदर जो है ना ये यूँ कहिएगा उनकी अवेयरनेस को फैलाने का काम करता है और ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करता है, पॉलिसी रेगुलेटरी एंगेजमेंट प्रोग्राम भी इनिशिएटिव कई सारे ऐसे जो है ना वो रिलीज करता ही रहता है इंडस्ट्रीज के ऊपर मेनली फोकस करने के लिए। तो सी रंगनाथन आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे होंगे, ठीक है ना, ऑल इंडिया मैनेजमेंट के, और ये रहने वाले हैं कब तक, September 2022 तक। चलो बच्चा, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली किट विकसित की है? 20 साल, 16 साल, 22 साल, 25 साल, बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू।